Hello everyone, today I am going to teach you how to use do verb. आज हम जानेंगे do verb का सही तरीके से यूज कैसे करें, जैसे प्रेजेंट फॉर्म में कौन से verb आएंगे, पास्ट फॉर्म में कौन से verb आएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में do verb का क्या अहमियत है, पॉजिटिव सेंटेंस में do verb कैसे यूज किया जाता है, नेगेटिव सेंटेंस में do verb कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि do verb के दो फॉर्म होते हैं, एक प्रेजेंट फॉर्म और एक पास्ट फॉर्म। प्रेजेंट फॉर्म में डू एंड डज आता है एंड पास्ट फॉर्म में डिड आता है। अब बात आता है कि इसे कैसे यूज करें। तो दोस्तों, डू वर्ब एक एज अ मेन वर्ब भी आता है और एक हेल्पिंग वर्ब भी आता है, बट पता कैसे करें कि ये कौन सा मेन वर्ब है और कौन सा हेल्पिंग वर्ब है। इसके लिए सिंपल ट्रिक है, किसी भी सेंटेंस में सिंगल वर्ब हो तो आप समझ रहे कि वह मेन वर्ब होगा। अगर सिंगल वर्ब के अलावे भी और भी कई वर्ब हैं, तो आप समझ लें कि सबसे लास्ट वाला जो वर्ब है वही हमारा मेन वर्ब होगा और सब्जेक्ट के जस्ट वाले जितने भी वर्ब हैं वो सभी हेल्पिंग वर्ब होगा, क्योंकि डू वर्ब तो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के लिए आते हैं। आई डू माई होमवर्क एवरी डे, मैं हर दिन अपना होमवर्क करता हूँ। और दूसरा, आई डिडंट डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क नहीं किया। तो बस फर्क इतना है कि इसमें सिर्फ एक ही डू वर्ब है तो एज अ मेन वर्ब आया, और इसमें डबल डू वर्ब है तो लास्ट वाला जो वर्ब होगा वो मेन एंड सब्जेक्ट के जस्ट वाला वर्ब होगा जो हेल्पिंग। अब तो ये जान गए कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब और कौन सा मेन वर्ब होता है। अब जानते हैं इसके फॉर्म के बारे में। डू वर्ब के प्रेजेंट फॉर्म में डू एंड डज आता है एंड पास्ट फॉर्म में डिड आता है। जैसे हम बोल सकते हैं, डू यू नो अबाउट इट, क्या आप इसके बारे में जानते हैं। नो आई डोंट नो, नहीं मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ। पास्ट में बोल सकते हैं, डिड यू नो अबाउट दिस, क्या आप इसके बारे में जानते थे। नो आई डिडंट, नहीं मैं नहीं जानता था। डज का यूज सिंगुलर के लिए होता है। अगर डू वर्ब का प्रयोग नेगेटिव फॉर्म में हो तो आप कह सकते हैं यू डोंट, जस्ट डू के बाद नॉट लगा दें। अगर इंट्रोगेटिव फॉर्म में हो तो डू वर्ब को आगे करो एंड सब्जेक्ट को पीछे करो। आप बोल सकते हो डू यू नो मी, डू यू नो अबाउट हर, इस तरह से आप डू वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड पास्ट फॉर्म में हो तो डिड यू नो अबाउट इट, डिड यू नो मी, डज ही नो अबाउट इट, डज ही गो देयर, डज ही स्पीक इंग्लिश। सो इस तरह से डू वर्ब का यूज किया जाता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।